बच्ची मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती है। How cute! It's my talent. Sure, very nice. Oh, not bad. नहीं, अगर हमारी अनन्या दीदी ऐसा टैलेंट दिखा के फिल्म फेयर में अवार्ड जीत सकती हैं, तो उस हिसाब से तो इस इंसान को ऑस्कर मिलना चाहिए। Let's get ready to rumble. It's my talent. अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका भाई जल्लू भाई, और आज का हमारा टॉपिक है द स्टार किड। वैसे तो मैं ये टॉपिक बहुत पहले ले आता, लेकिन फिर मुझे लगा देखने वालों ने सब कुछ देख ही लिया होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा तो क्या करूं ना, तो भैया मेरा भी वीडियो देख लेना। हाँ तो भैया, स्टार किड जिनको एक्टिंग आती नहीं, ओवर एक्टिंग जाती नहीं, तो भैया एक्टिंग छोड़ दो ना। अभी तो मैंने स्टार्ट किया। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। नहीं, जिस तरीके से एक्टिंग एक आर्ट है, आर्ट, लेकिन साला इन स्टार किड्स ने एक्टिंग को भी बवासीर बना दिया है। नहीं, आप खुद ही देखो क्या इसे एक्टिंग कहते हैं। टॉप की हीरोइन वाली एक्टिंग करके दिखाओ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। नहीं, अगर कोई इनसे पूछे ऐसी एक्टिंग के बाद आपको फिल्में कैसे मिल जाती हैं, तो इनका जवाब ये होता है। Just because my dad's an actor, I'm not going to say no to an opportunity to act. You know, my dad has never been in a dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. Yeah. I think everyone has their own journey. Yeah. ये बात तो सही कही दीदी ने। सबकी अपनी जर्नी होती है। जैसे कि दीदी की अपने घर से करण जौहर के ऑफिस तक जाना, या मस्त एसी के कार में बैठ के जर्नी रही होगी ना इनकी। मैंने की है मेहनत। नहीं, अगर ऐसी जर्नी को स्ट्रगल कहते हैं, फिर तो हर एक फूड डिलीवरी बॉय आज स्टार होता। साले मजाक बना के रखते। नहीं, और वो कौन सी हीरोइन थी जिसको ये नहीं पता हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? कौन थी? हाँ, ये वाली। प्लीज माफ कर दो। अरे ऐसे कैसे, पहले ये बताओ किसके लिए लाए थे? सीता। क्या कहा? सीता। नहीं, जिसके पापा का नाम शत्रुघ्न सिन्हा हो और जिस बंगले में रहती है उसका नाम रामायणा हो, उसको ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं पता? सीता। नहीं, अब तो सोनाक्षी दीदी भी बोलेंगी। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, रामायणा के क्वेश्चन से लगता है। नहीं भैया, फिर भी ये कुछ भी करे इनकी गलती माफ होगी, क्योंकि तेरे को पता है मेरा बाप कौन है? This is my dad, Chunky Pandey. Okay. She's joking. तो सुना आपने, तो इनके घर वाले भी इन्हें अपनी औलाद नहीं मानते। She's joking. मानेंगे भी कैसे, कुछ अच्छा तो करो, कुछ अच्छा काम करो। Questions. Who is the president of India? Manmohan Singh. Who is the president of India? नहीं, इसका नंबर भी आएगा। अभी थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान। नहीं दीदी, इतिहास का भी बलात्कार पे बलात्कार कर दिया। अफ्रीका का प्रेसिडेंट पता है? हाँ। सिंगापुर का प्रेसिडेंट पता है? हाँ। चाइना का प्रेसिडेंट? अरे अरे दीदी, गुस्सा क्यों हो रही हो? चलो ठीक है, आपसे कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं। आलिया दीदी, चाइनीज की किसी डिश का नाम बताइए। डिश टीवी। भारत का नेशनल एनिमल कौन सा है? टाइगर श्रॉफ। अच्छा, डेविड धवन के बेटे के नाम बताइए। वेरी सिंपल, वरुण धवन, शिखर धवन। पैसा बर्बाद बहन। ये लगता है दीदी का टॉप फ्लोर पूरा खाली है। ये दीदी को कोई दिमाग दो रे? दे दो। अरे दीदी, क्या मांग रही हो? उसका वो ऐसे हिला रहे वहाँ से, दे दो। भाग यहाँ से। नहीं, अब बात करेंगे गोविंदा का सस्ता वर्जन, गोविंदा लाइट, यानी कि वरुण धवन। भाई बात मानो, गोविंदा की टू कॉपी है ये, यानी कि जैसे गोविंदा एक कोहिनूर का हीरा है, तो ये कोहिनूर एक्स्ट्रा टाइम कॉन्डम। भाई फटा हुआ, ये मेरे को नहीं मालूम। वैसे तो भाई को मालूम है कि जो चीज तेरी बस की ना हो ना, उसे वाहेगुरु पे छोड़ दो। लेकिन भाई को एक्टिंग भी तो नहीं आती, वो क्यों करते हो? बचपन से जब मैंने इतना सा था ना, कि तब से मैंने खुद से एक कमिटमेंट कर ली थी कि मैं बड़ा बन के ना एक हीरो बनूंगा। अभी ये इतना सा क्या होता है? बचपन से जब मैंने इतना सा था ना, इंसान का ही बच्चा था ना ये छिपकली का। तब से हीरो का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, और वो ये है अपनी पब्लिक को एंटरटेन करना चाहिए। हाँ तो भाई लोग, तुम एंटरटेनमेंट देते कहाँ हो? केवल टट्टी पर धनिया डाल के दे देते हो, और फिर कुछ चूतिया लोग आते हैं और बोलते हैं वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और साले जब ये स्टार बन जाते हैं, तो पब्लिक को ये एटीट्यूड दिखाते हैं। नहीं, जिनमें इतना भी टैलेंट नहीं कि वो यूट्यूब पे भी वीडियो बना सके, उनको फिल्में दे दी जाती हैं, और जो वाकई में टैलेंटेड है उनसे फिल्में वापस ले ली जाती हैं। भाई लोग, आपने बॉयकॉट मूवमेंट बहुत सही स्टार्ट किया, इसको प्लीज बंद मत होने देना। आज की वीडियो में मैं इतना ही दिखाऊंगा। देखो, ये इस टाइप का मेरा पहला वीडियो है। पहले मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसी वीडियो भी पसंद आती है? अगर आती है तो कमेंट करना, और साथ ही साथ हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।